हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपना वीडियो लेके आई हूँ, किड सीरीज का पहला वीडियो, एपिसोड 1 है ये। एंड आज हम बच्चों की फेवरेट एक बहुत ही अच्छी और यमी विदाउट मिर्ची वाली, जैसे कि बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को मिर्ची वाली सब्जी पसंद नहीं होती, तो हम लोग एक वाइट ग्रेवी में मलाई कोफ्ता बनाएंगे। एंड ये बहुत ही हेल्दी है, एंड मैं हेल्दी वे में विदाउट फ्राई करके मैं आप लोग को मलाई कोफ्ता की वाइट ग्रेवी रेसिपी दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में ग्रेटेड पनीर ले लिया है, तकरीबन 200 ग्राम्स पनीर है, और 3 से 4 आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। और इस तरीके से हम लोग अपना पनीर तो ये मैं इसमें डालूंगी जीरा पाउडर, ये 1/2 टीस्पून है, तो 1/2 टीस्पून से मैं थोड़ा सा ज्यादा ऐड करूंगी। एंड क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, एंड वैसे भी वाइट ग्रेवी में ज्यादा मिर्च नहीं होती है, एंड बच्चे बहुत पसंद करते हैं कोई भी वाइट ग्रेवी में। आप पनीर बना लीजिए, मलाई कोफ्ता बना लीजिए। तो अब ये मैं करूंगी सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा हम हमारी ग्रेवी में भी डालेंगे। तो ये सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है, और मैं हरी मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला, 1 पूरा टेबल स्पून, या अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप लोग गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर है। और ये मैंने 1 बड़ा चम्मच ये मैदा डाल दिया, और हम 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे, अब हमको इसको अच्छी तरीके से हाथों से इसको मैश करना है, और हम इसको अच्छी तरीके से हम लोग इसको मिक्स करेंगे, और अच्छी तरीके से हम इसको मैश करेंगे ताकि हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके की हमारी ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इसको हमको इस तरीके से डो लगा के तैयार कर लेना है, जैसे हम लोग एक सॉफ्ट सा डो आपका रेडी हो जाएगा। इसको डो को आपको लगा के इसको रेडी कर लेना है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। पैन को थोड़ा सा ग्रीस करके रख लिया है, और इस तरीके से मैं इसको ग्रीस करके, तो आज हम ऑयल फ्री मलाई कोफ्ता बनाएंगे। ये हेल्दी भी है एंड ऑयल फ्री भी है। हमने अपन पैन को ग्रीस करके इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको लो फ्लेम पे रख दिया, जब तक हम अपने कोफ्ते बनाएंगे। लेके अब मैं ये थोड़े से कोफ्ते आप लोग किसी भी शेप के बना सकते हैं, तो आप इस तरीके से अपने कोफ्ते रेडी कर लीजिए। और इसको हल्का सा आपको मैदा से इसको डस्ट करके रखना है, तो इसको आपको मैदा से डस्ट करके कोफ्ते को, अब हम लोग इसको फ्राई तो करेंगे नहीं, लेकिन हमारे अप्पम पैन में बहुत अच्छे से ये एकदम गोल्डन ब्राउन, जैसे हम लोग के फ्राई में होते हैं, और विदाउट ऑयल बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो ये मैंने 1 कोफ्ता इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से मैं बाकी के भी सारे कोफ्ते बना के इसमें डाल दूंगी। तो ये इस तरीके से हम लोग कोफ्ते जो है मैंने एकदम सेम फ्लेम पे कुक हो रहे हैं, एंड मैंने साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। और हम अभी इसमें ऊपर से भी ऑयल या घी, जो भी जिससे भी आप ग्रीस कर रहे हैं, वो आप इसको ऊपर से भी हम लोग इसको ग्रीस कर देंगे, और फिर हम इसको टर्न कर देंगे।
अभी मैं ये सारे कोफ्ते थोड़ी देर कम से कम 2 मिनट में ढक के इनको पकाऊंगी। ये सारे कोफ्ते जो हैं हम लोग इसको 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 2 मिनट तक कुक करूंगी, फिर मैं देखूंगी एक कोफ्ता पलट के कि वो कितना गोल्डन ब्राउन हुआ है, फिर मैं इनको पलट दूंगी। अब ये मैं कोफ्तों को पलटने के पहले इन पे थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी कुछ है आप जिसे भी ग्रीस करें उससे मैं ग्रीस कर दूंगी इसको। मैं ये सारे कोफ्ते पहले ग्रीस करके और फिर अब मैं इनको पलट दूंगी। जैसे कि मैंने ये पलट दिए हैं, मैं इनको इस तरीके से पलट दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फ्राई होने में भी टाइम लगता है, और फ्राइड चीज़ें ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होती हैं, और ये हेल्दी है एंड टेस्टी भी लगेगा, सेम टेस्ट रहेगा एंड लेस ऑयल में। इस तरीके से ये हम पलट देंगे। तो ये हमारे मलाई कोफ्ते जो हैं, ऑयल फ्री मलाई कोफ्ते, ये बनके देखिए रेडी हो गए हैं। और कितना क्रिस्प एक लेयर आ गया है, आप फ्राई करते हो तब भी वो इसी तरीके से लेयर आता है। और ये मैंने 4 अनियंस 4 प्याज बॉईल करने रखे हैं, और इसमें मैं 2 हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी। तो ये हरी मिर्च, और ये इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन। लहसुन ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वाइट ग्रेवी में लहसुन का बहुत फ्लेवर नहीं आता है, तो 2 कली लहसुन की एंड छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का हम ऐड करेंगे। और ये मैंने नमक, हरी मिर्च और प्याज को हल्का सा 2-3 मिनट बॉईल वाटर में डाल के मैं रख दूंगी, फिर मैं इसको एक पेस्ट बना लूंगी इसका। ये 10 से 15 काजू मैंने भिगो के रखे थे, तो मैं ये ऐड कर दूंगी इसमें। और इसके साथ साथ 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज मैं ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये वाइट ग्रेवी है तो इसमें हम लोग काजू और खरबूजे के बीज ऐड करेंगे। और प्याज को बॉईल करके ऐड करेंगे। बॉईल करके ऐड करने से क्या होता है कि प्याज की जो थोड़ी चरपराहट होती है वो प्याज की निकल जाती है बॉईल से, और उससे ग्रेवी क्या है कि वाइट ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। तो वाइट ग्रेवी जो है प्याज को बॉईल करके बनाने से बहुत ही स्मूथ बनती है। ये प्याज ठंडा हो गया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्का सा, और इसको ठंडा करके फिर मैं इसको मिक्सी में चर्न कर लूँगी। तो ये पैन में मैंने 4 चम्मच तेल गरम कर लिया है, और ये जो आपको मैंने दिखाया था पेस्ट, ये बन के रेडी हो गया है। अब हम अपनी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैन में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, अब तेज पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल और हीट हो जाएगा, फिर हम इसमें 3-4 इलायची और दालचीनी के छोटे छोटे 2-3 टुकड़े डाल देंगे, और जीरा ऐड करेंगे। तो
तो ये जो वाइट ग्रेवी है ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चों को, क्योंकि इसमें मिर्च नहीं होती है एंड सबसे बड़ी बात ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस है बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया है, तो पेस्ट में भी हमने काजू डाले हैं, मेलन सीड्स डाले हैं, जो कि बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो हम लोग उनको ग्रेवी में ऐड करके दे सकते हैं। अब मैंने जो मिक्सी में थोड़ा सा वाटर था वो ऐड कर दिया है इसमें, और अब इसको हम लोग 2 से 3 मिनट तक इसको ढक कर के हम लोग स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो अब ये ग्रेवी कुक जब हो जाएगी 2 से 3 मिनट, तो ये मैंने घी ऐड किया है 1 चम्मच। ये बहुत ज़रूरी है, ग्रेवी में एक अलग ही इसका फ्लेवर आ जाएगा, घी का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो 1 चम्मच घी ज़रूर ऐड करें मसाले को थोड़ी देर पकने के बाद, कुक होने के बाद। अब हम ग्रेवी में 2 से 3 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे, और दही डाल के हमें इसे लगातार मिक्स करते रहना है, क्योंकि दही नहीं तो फट जाएगा, और फ्लेम हमें इस ग्रेवी में हमेशा लो रखनी है, लो फ्लेम पे ही इसे कुक करना है। एंड इसमें अब मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और इसके बाद में इसको मैं दही जो डाल के इसको ग्रेवी को हम लोग कुक करते रहेंगे। अब ये मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है, एंड ग्रेवी को सिम पे ही पकने दे, बिकॉज जो काजू और जो मेलन सीड्स हमने डाले हैं, दही डाला है, अगर ज़्यादा आप हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तो ये कुक नहीं होगा और नीचे लग जाएगी आपकी सब्ज़ी, जल जाएगी। अब कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, हम कसूरी मेथी डाल के हम लोग इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे, एंड आई होप ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। एंड ये ग्रेवी आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक फ्रिज में, एंड जैसे कि आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं या इसमें आप पनीर ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं तो ये और भी हेल्दी हो जाएगी। आप इसमें कैंड पाइनएप्पल ऐड करके इस ग्रेवी में आप बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्ज़ी सॉटे करके इस ग्रेवी में आप बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चे इसको चपाती के साथ, नान के साथ, लच्छा पराठा के साथ खाना इसको पसंद करते हैं। अब गरम मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी एंड काली मिर्च पाउडर डाल के हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, एंड अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से इसे स्लो फ्लेम पे कुक करना है। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, अब हम इसमें हमारे कोफ्ता ऐड कर रहे हैं। कोफ्ते आप लोग तभी ऐड करिए जब आपको तुरंत इसको खाना हो, जैसे आपको खाना है तो आप ग्रेवी प्रिपेयर करके रख लीजिए, कोफ्ते साइड में रख दीजिए, एंड जब आपको खाना हो तभी ग्रेवी को गर्म करिए और उसमें आपके कोफ्ते ऐड कर लीजिए। अगर आप पहले से कोफ्ते ऐड करके रखेंगे तो कोफ्ते जो हैं ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हैं, एंड ये सारा वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये टूट जाएंगे, तो इसलिए जब आपको खाना हो तो ग्रेवी में कोफ्ते तभी ऐड करिए।